वालेकुम एंड वेलकम टू अली से व्लॉग्स। नाच मेरी जान नाच, तुझे तमगा मिलेगा। इनको भी दे दो तमगा भाई, बहुत अच्छा और उम्दा क्वालिटी का ठुमका लगाते हैं। अच्छा जी, फैसल वाड़ा साहब कैसे हैं आजकल? भाई हाल पूछ रहा हूँ, जरूरी थोड़ी है स्टोरी के साथ उनका कोई लिंक हो। लॉजिकल बात करते हैं। लॉजिकल बात यह है ना कि जिस भी ज्यूरी ने यह फैसला किया है तमगा देने का महवेश आयात को, उसके पास दो मुमकिन वजह हो सकती हैं। पहली वजह वेस्ट को खुश करना, उनकी तरफ यह पैगाम देना कि नो एक्सट्रीमिस्ट इन पाकिस्तान एनी मोर, वी आर लिबरल्स नाउ, लुक एट अस, हम नाचने गाने वालों को भी तमगा दे रहे हैं। जाहिर है अब इंडिया पद्मश्री दे रहा है नाचने गाने वालों को, तो हमें भी तमगा देना चाहिए। भाई इंडिया के मजहब में नाचना इबादत समझा जाता है और आपके मजहब में नाचना हराम है। नो मोर हिपोक्रेसी, ठीक है? सामने आकर बात करो, या तो पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह कहना बंद कर दो, साए खुदाए जुल जलाल कहना बंद कर दो, या फिर नाचने गाने को हराम कहो और नाचने वालों को तमगे देना बंद कर दो, ठीक है ना? अब वेस्ट को अगर आप ये पैगाम नहीं देंगे, उनके सामने अपने आप को लिबरल जाहिर नहीं करेंगे, तो क्या दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करोगे? दुनिया में इज्जत नहीं होगी? अरे सऊदी अरब को देख लो, उनकी इज्जत नहीं है क्या? एग्जिस्ट नहीं कर रहे दुनिया में क्या? उनके यहां नाचने वालों को तमगे तो क्या वहां पर नाचने वालियां ही एग्जिस्ट नहीं करती भाई। अच्छा, दूसरी मुमकिन वजह क्या हो सकती है? दूसरी मुमकिन वजह हो सकती है पर्सनल तालुकात। तो देखिए साहब, ये तमगे किसी के बाप की जागीर नहीं है। पर्सनल तालुकात पे पैसे दो, प्लास्टिक का कप पकड़ाओ, लक्स अवार्ड दे दो, फिल्म साइन करवा दो, तमगे किसी के बाप की जागीर नहीं है। द फोर्थ बिगेस्ट सिविलियन अवार्ड है पाकिस्तान का, डिजर्विंग लोगों को दो। अभी नाम लेना शुरू कर दिया ना इस वीडियो में, तो 3 घंटे की वीडियो हो जाएगी। कितने लोग पाकिस्तान में इस अवार्ड के मुस्तहिक है? किस कदर नीचे गिरा रहे हो यार तुम इस तमगे को। होता क्या है ना, नेशन को कंफ्यूज करके रख दिया हुआ है आपने डबल स्टैंडर्ड हिपोक्रेसी से। आपकी महफिल में जब आके ये नाचती है ना, तो वहां पर कुछ अफराद ठरक करते हुए खुशामदी अंदाज में ने कहते हैं, वाह क्या फनकारा है, वाह क्या अदाकारा है। अरे भाई, पाकिस्तान की सड़कों पे निकलकर पूछो, लोग इनको कंजरी कहते हैं, तवायफ कहते हैं। यस आई नो आई एम यूजिंग हार्श वर्ड, बट दैट्स रियलिटी। यही सच है कि डेरे में जब शादियों के प्रोग्राम में तवायफ आकर नाचती है, तो हम उन पर पैसे फेंकते हैं। ये पर्दे पर नाचती हैं, पैसे हम टिकट की सूरत में देते हैं। कोई फर्क नहीं है, फर्क सिर्फ इतना है, ये थोड़ी सी वीआईपी तवायफें हैं, वो थोड़ी सी लो लेवल की तवायफें हैं। यही हकीकत है। और लोगों को सच बताओ, झूठ मत बोलो लोगों के सामने। अगर तमगा देना है तो इसका मतलब है आप कौम के लिए उन्हें रोल मॉडल समझ रहे हो। तो तमगा देते हुए प्रेसिडेंट साहब स्पीच कर लीजिएगा, बोलिएगा आके माइक पे कि हम महवेश हयात को कौम के लिए रोल मॉडल तसव्वुर करते हैं, कौम की बेटियों को पैगाम देते हैं कि महवेश हयात की तरह बनिए, इनके नक्शे कदम पर चलिए, बेहतरीन से बेहतरीन ठुमका लगाइए, हम आपको तमगा देंगे। और यही नसीहत घर जाके अपनी बेटियों को भी करेंगे कि महवेश हयात के नक्शे कदम पर चलते हुए अच्छे से अच्छा ठुमका लगाइए, तभी हम आपको तमगाए इम्तियाज देंगे। सीधा स्ट्रेट सामने आकर कहो, नेशन को कंफ्यूज मत करो। दैट्स माय मैसेज एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। शेयर दिस वीडियो इफ यू एग्री विद मी। अबे तमगा ना हुआ, धक्का हो गया, किसी को भी उठा के दे दिया, अखंड भैंस की आंख।